आज की इस वीडियो में हम फूड पॉइजनिंग को दूर करने के लिए घरेलू नुस्खों के बारे में जानेंगे। नंबर वन, नींबू के सेवन से। नींबू में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल गुण मौजूद होते हैं, इसलिए इसे पीने से फूड पॉइजनिंग वाले बैक्टीरिया मर जाते हैं और आप खाली पेट नींबू पानी बनाकर पी सकते हैं, या चाहें तो गर्म पानी में नींबू निचोड़ें और पी जाइए। नंबर टू, सेब के सिरके के सेवन से। सेब के सिरके में मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाने वाले तत्व होते हैं। खाली पेट इसका इस्तेमाल करने पर यह भी खराब बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है। नंबर थ्री, तुलसी का सेवन। तुलसी में मौजूद बीमारियों से लड़ने वाले तत्व होते हैं जो बैक्टीरिया से लड़ते हैं। तुलसी का सेवन आप कई तरीकों से कर सकते हैं। एक कटोरी दही में तुलसी की पत्तियां, काली मिर्च और थोड़ा सा नमक डालकर खा सकते हैं। पानी व चाय में भी तुलसी की पत्तियां डालकर पी सकते हैं। इन नुस्खों से आप फूड पॉइजनिंग को दूर कर सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं।